आपने बहुत बार लोगों को हार्ड वर्क करते हुए देखा होगा कि वो लोग दिन रात एक कर देते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं जिससे वे अपने गोल को अचीव कर पाए। बट अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क से हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि हार्ड वर्क से हम अपने सपने को अचीव नहीं कर सकते तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जी हाँ गाइज, स्मार्ट वर्क, क्योंकि आप अपने गोल तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे। तो आज मैं आपको दो कहानी बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला है हार्ड वर्क। तो एक गांव में एक किसान रहता था और उसके पास बहुत सारा खेत था, जहां पर अब वह जुताई के लिए बैल का यूज करता था। हालांकि हर कोई जानता होगा बैल क्या होता है। तो वह किसान बैल को खेतों में लगा देता था और उससे अक्खा दिन जुताई करता रहता था। लेकिन अक्खा दिन मेहनत करने के बावजूद भी वह थोड़े ही खेत की जुताई कर पाता था, क्योंकि बैल बीच बीच में थक भी जाते थे, उसके साथ में वह भी थक जाता था क्योंकि धूप बहुत तेज़ था जिससे वह थक जाता था और साथ में उसके बैल भी थक जाते थे। ये हो गया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैल से जुताई जिससे किया जाता है उसमें एक ही जुताई करने वाला औजार लगा रहता है, यानी कि वह उस किसी भी खेत की जुताई के लिए और बार बार उसको घुमाता रहता था जिसके बाद उसकी जुताई हो पाती थी। अब बात करते हैं हम स्मार्ट वर्क की। तो एक किसान था जिसके पास एक ट्रैक्टर था। अब उसी खेत की जुताई के लिए अगला किसान ट्रैक्टर से जब जोतता था तो क्योंकि उसमें बहुत सारा औजार लगा रहता है, आपने जैसा कि देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप गूगल पे देख सकते हो सर्च मार के कि क्या होता है। तो वह लगभग उसके आधे से आधे समय में वो सारे खेत की जुताई कर देता था और वह थकता भी नहीं था, क्योंकि वह खाली ड्राइविंग करता था और खेत की जुताई हो जाता था। उसको खेत में ट्रैक्टर के साथ में नहीं चलना पड़ता था। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अब आप डिसाइड करो कि आपको हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है। तो इसलिए आप लाइफ में तभी सक्सेस हो पाओगे जब आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करोगे। यानी हार्ड वर्क आप वहाँ पर करोगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। आप हमेशा हार्ड वर्क करके कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जहाँ पर पहले किसी गड्ढे को खोदने के लिए बहुत सारे आदमी लगते थे, अब उसी गड्ढे को खोदने के लिए एक जेसीबी ही बहुत काफ़ी हो जाता है और वह उनके आधे समय से कम में ही उसे पूरा भी कर देता है। इसलिए आप किसी भी काम को करने से पहले आप सोचें कि क्या मैं उसे किसी दूसरे तरीके से कर सकता हूँ जिसमें मेरा मेहनत भी कम लगे और काम भी अच्छा हो जाए और जल्दी हो जाए। अब ये चीज़ आप अपने किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हो, चाहे वो पढ़ाई हो या आपके अपने लाइफ में ग्रो होना हो या फिर आप किसी जॉब में प्रमोशन पाना हो, ये हर एक फील्ड में काम आता है। इसलिए आप हार्ड वर्क पे कम ही ध्यान दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे ध्यान दें कि आप कैसे किसी चीज़ को बहुत आसानी से और नए तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपकी एनर्जी भी कम लगे और काम भी अच्छा हो। तो आई होप कि गाइज आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब सारा ध्यान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।